दोस्तों, आज हम फिर एक नई जगह पे हैं और आज मैं एक ऐसे लैंडमार्क पे हूँ जहाँ पे आप वीडियो के अकॉर्डिंग देख पाएंगे कि बिल्डरों ने क्या बनाया है। मैं एक सोसाइटी के गेट पे हूँ और विश्वास मानिए, ये बिल्डर फोर सोसाइटी है। और मैं ये दावे के संग कह सकता हूँ कि मैं ब्रीफिंग करने से पहले बता दूँ कि आप जब इंट्री करेंगे तो इस टाइप की सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल प्रॉपर वे में सोसाइटी, जैसे आप एक SD बने हो या कोई अंतरिक्ष या फिर आप पंसील के सोसाइटी में घुसते हैं, जो आपको लुक आएगा सेम ये लुक है, सेम ये सोसाइटी है। ठीक है दोस्तों, हाँ पवन, मैं यही कहने वाला था कि पहले मैं स्टार्ट भगवान के दर्शन ही करते हैं। और ये मंदिर है यहाँ की सोसाइटी की, ये सामने आप देख सकते हो ये मंदिर, और ये मंदिर के आगे का कैंपस जो वेल वो है। आज बारिश हुई है इसलिए थोड़ी सी पानी लगी हुई है, अदरवाइज बहुत बेहतरीन तरीके से रेगुलेट होता है। मैं एक बार जागरण में आया था और बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है पवन, और बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे आप आके, मतलब एक अगर कोई फ्लैट यहाँ रह लेता है सोसाइटी में, पाम वैली में स्पेशली पवन, तो आप अगर एक आस्था के नियरेस्ट भी जाना चाहते हैं तो बिल्डर फ्लोर में इतनी बड़ी सोसाइटी में इस टाइप से मंदिर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कि मंदिर के संग करीबन करीबन 500 गज का आपका पूरा पूरा मतलब आगे का कैंपस हो बैठने का, और मतलब पार्क टाइप का एरिया। ठीक है पवन, पवन मैं इतना एक्साइटेड था कि आपको प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं बताया मैंने, राइट। तो अब मैं पूरा प्रोजेक्ट पे आता हूँ। ये प्रोजेक्ट का नाम पाम वैली है, राइट। पाम वैली करीबन करीबन ये 7 से 8 एकड़ में बना हुआ है टोटल, राइट। करीबन 500 फैमिली का एरिया है, ठीक है, जिसमें अवेलेबल फ्लैट अभी भी अवेलेबिलिटी है। 90% लोग आ चुके हैं, रजिस्ट्री हो रखी है, राइट। और मेरे पीछे ये पूरा ये टावर्स देख रहे हैं, ये पाम वैली के सारे टावर्स हैं। टावर की खूबसूरती से लेके आप अगर अभी लोग रह रहे हैं, और अभी नहीं 2 साल पहले तक टावर ही कम्प्लीट हो गए हैं, और कुछ टावर अभी रनिंग है, ऑन गोइंग है, तो आप अगर देखेंगे पूरी सोसाइटी, मतलब इसमें कुछ भी हमने एमिनेशन नहीं किया है कि क्या है एक्चुअल। आप फोटो देखें, ये पार्क का एरिया है बगल में, राइट, जो आप पेड़ देख रहे होंगे, राइट। और इसके बाद ये सोसाइटी है, आप अगर देखिए तो बड़े नीट एंड क्लीन और एवरीथिंग बड़ी क्लियर है, राइट। और मैं सामने इस एरिया में हूँ प्लांटेशन में, मैं अंदर नहीं जा सकता बिकॉज अभी बैरिकेडिंग कर रखा है इन्होंने, थोड़ा सा गेट बंद कर रखा है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर वे में नीट एंड क्लीन सोसाइटी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अभी 100% लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ टावर में काम अभी स्टार्ट है, राइट। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक बजट सोसाइटी है पवन, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब आप 2 BHK 3 BHK प्लस डुप्लेक्स तीनों अवेलेबिलिटी है। अगर कोई कस्टमर को अगर आज के रेट में अभी रहना है घर में, एक ऐसी जगह जहाँ मंदिर हो, क्लब हो, पार्क हो, उसके बाद एक बेल तरीके से गुड मेंटेन वाली सोसाइटी हो, तो आज के रेट में आप आके इसको ले सकते हैं और आज ही शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ ना पवन, 90% लोग रह रहे हैं। अब पार्किंग की मैं पवन एक आश्चर्य हूँ कि हर एक टावर में करीबन करीबन लोग आके शिफ्ट हो गए हैं। मतलब कुछ टावर मुझे लास्ट में दिख रहा है बनते हुए, जिसमें शायद अभी कुछ एवेंट्री होगी जो सेल्स चल रहा होगा, लेकिन ऑलमोस्ट टावरों में लोग रह रहे हैं, राइट। क्या लोकेशन क्या है सोसाइटी? ये सोसाइटी के लोकेशन में अगर बात करूँ तो सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन बिश्रक विलेज पड़ता है, बिल्कुल सेक्टर रोड से लगा हुआ है, बड़ी नॉर्मल है। अगर आप पाम वैली ऑलमोस्ट कस्टमर जो बजट होम देख रहे हैं उन्हें आइडिया होगा। मेरे संग नवीन जी हैं, खड़े हैं, सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, राइट। और ये टेक केयर हैं यहाँ पे, और जब इन्होंने बात कही मुझे सोसाइटी के लिए तो मैंने चलो नवीन जी चल के वीडियो बनाते हैं आपके यहाँ, राइट। यहाँ का बैकग्राउंड भी बहुत बढ़िया है और कस्टमर जो भी है ना, सेफ्टी पर्पज से नवीन जी क्या हाल है यहाँ पे? सेफ्टी पर्पज से क्या है? मेन गेट है जी, गार्ड, सोसाइटी रनिंग, मेंटेनेंस कैसा है यहाँ का? बहुत बढ़िया है, बहुत। पवन जी, जैसे मैंने तो पहले अभी हमने जब स्टार्ट किया तो गेट, मंदिर या सोसाइटी का लुक कैसा था, क्या था, और एक इस सेगमेंट में मैं खड़ा वहाँ पे हूँ 2 BHK 970 square feet में, जो एक अफोर्डेबल सेगमेंट में है, और मैं लुक वही देख रहा था आप वीडियो से पहले, तो इतना ज़्यादा खूबसूरत एक सोसाइटी में जहाँ मंदिर, पार्क, एवरीथिंग अवेलेबल हो, फॉल्स सीलिंग, लाइट, फैन के संग, मतलब 2 BHK आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बजट होम में जिस कस्टमर का बजट मान लीजिए 40,000 सैलरी है या 30,000 सैलरी है, वो कस्टमर इस सेगमेंट को अफोर्ड कर सकता है। आप मेरे सामने किचन देख रहे हैं, प्रॉपर वे में किचन इन्होंने बनाया है। हाँ, ये हॉल है, और ये हॉल भी छोटा नहीं है बाबू, ये 16x10 का हॉल है,
राइट। किचन बिल्कुल 5x7 का है, राइट। उसके संग वेंटिलेशन लगा हुआ है ये, है ना, कि अगर कोई एडजस्ट के लिए। देन एक आप देखेंगे फिटिंग्स लगी हुई है क्या, ये सब कुछ लगा के दे रहे हैं ये, चिमनी आरओ चाहे कवर्ड, ये सब कुछ लगा हुआ मिले। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि किसी की सैलरी 40,000 या 30,000 है या 50,000 है, तो इस सेगमेंट में पाम वैली में उसके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है फ्लैट लेने के लिए। बिल्कुल, हॉल भी अच्छा है और जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ठीक है, और सबसे अच्छी बात आउटर यानी सोसाइटी के बाहर कैसा लुक है। पवन, एक आप अगर एंट्री कर रहे थे तो हमें लग रहा था ना कि जैसे हम कोई ग्रुप हाउसिंग के लैंड में जा रहे हैं, तो बड़ी हाई रेंज के उसमें आप खड़े हो, लेकिन यहाँ पे जैसे पार्क है, मंदिर है, सब कुछ है, सेपरेट है वो भी, मतलब होता ना कि आर्ट एक्टिविटी के लिए सब कुछ है, बच्चों के लिए जो एक होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ये बाथरूम है पवन, 5x5-6 का बाथरूम कॉमन जी, हाँ बात। सबसे खूबसूरत बात यह है पवन कि अगर कोई कस्टमर लेता है इस बजट में, एक लो बजट में, तो कस्टमर को कुछ भी, मतलब व्यूअर्स आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं मास्टर बेडरूम में घुस रहा हूँ, राइट, तो आप मास्टर बेडरूम भी 12x12 का है, राइट। और इसके पहले मैं एक चीज पवन बताऊँ, ये कवर्ड यार, इतना बड़ा कवर्ड मैं आपको क्या बताऊँ, स्पेसिस तो देखिए पूरी वॉल पे टच कवर्ड है ये, राइट। ये कवर आप बाहर करवाएंगे तो करीबन करीबन 1 से 1.5 लाख रुपये को खर्च करना है, वो आपके रूम में ये ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा, राइट। बिल्कुल, फैन, लाइट, फॉल सीलिंग जी, इसका साइज क्या होगा, ये 12x12 है पवन, राइट। उसके बाद पवन बाथरूम अटैच है क्योंकि मास्टर बेडरूम है ये, राइट। ये 6x5 का बाथरूम है, राइट। देन उसके संग अटैच ये बालकोनी है जी, इसके संग अटैच बालकोनी, राइट, हाँ। और देन एक सेकेंड बेडरूम है, ये भी अटैच बालकोनी के संग ही है, यानी 2 बेडरूम है, दोनों बेडरूम बालकोनी के संग अटैच है। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगा कि बिल्डर फ्लोर में अक्सर ऐसा नहीं होता है, राइट। आप देखिए ये भी बेडरूम बिल्कुल बालकोनी के संग अटैच है, राइट। सेम 10x12 इसका बेडरूम साइज है, राइट, मास्टर रूम का जस्ट बगल में है ना, और सेम आप ये देख रहे हैं। इवन एक अच्छी बात देखिए, मस्किटो जाली भी लगी हुई है, है ना, मतलब आपको मेजर जाल रोड पे देंगे, मतलब फ्लैट के अंदर व्यूअर्स को सिर्फ सोफा, बेड, फ्रिज ही लेके आना है आपको, और ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ लगी हुई मिलेंगी डेकोरेशन की, जो आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल पवन, टाइल्स वगैरह भी अच्छी लगी, आप देखिए ना, देखिए टाइल्स 2x2 का नहीं है, ये 4x2 का टाइल्स है ना, तो ये क्वालिटी की टाइल्स होती है, हाँ। स्पेशल बालकोनी है, 5x8 बालकोनी है पवन, 5x8 बालकोनी, स्पेसिस बालकोनी होती है, हाँ। और अच्छी बात कि जहाँ आप रह रहे हैं फ्लैट के बाहर भी उतना ही स्पेसिस है जितना कि फ्लैट के अंदर, हाँ। इवन 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 टावर्स के बाहर, जैसे गार्ड, काफ़ी चौड़ी रोड है ना, पार्क है, मंदिर के आगे पार्क है, मंदिर है, तो मतलब करिकुलम एक्टिविटी के लिए ज़्यादा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको, सोसाइटी सब कुछ करती है। इसका टोटल साइज क्या होगा पूरे फ्लैट का? देखिए जो बिल्डर कॉल है टोटल साइज 970 स्क्वायर फीट है। अच्छा, 970, हाँ। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ भी लगा हुआ और लगा लगाया हमें मिलेगा, बिल्कुल लगा लगाया मिलेगा पवन। अच्छा, जो कुछ भी अभी जिसमें, इसमें वॉलपेपर अभी लगा हुआ नहीं है, वॉलपेपर भी लगा मिलेगा आपको जी, फैंस लगे हुए, फैंस बिल्कुल, फैंस लगा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर ये लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे? देखिए पवन, मैं आप लोकेशन आपको बताता हूँ, अगर आप सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन देखते हैं तो नोएडा एक्सटेंशन का सबसे नियरेस्ट सेक्टर, नोएडा के सबसे नियरेस्ट सेक्टर सेक्टर 1 है। पहले आप गौ सिटी से टच होकर आते थे, लेकिन आज के डेट में सेक्टर 1 के लिए नया ब्रिज बन गया है जो बुद्ध ब्रिज के नाम से जाना गया है, राइट, एंड वो ऑपरेशनल है, गौ सिटी से बढ़िया रूट कनेक्ट करता है, जो 78 के लिए जाता है, FNG फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद कॉरिडोर को मिलता है, या सिटी सेंटर के लिए जाता है, उससे भी आप टच लेंगे ना, तो नोएडा 78 या 122 सेक्टर से, ये महज 2 से 3 किलोमीटर पे है ये। अगर आप गौर सिटी से आते हैं तो गौर सिटी से राइट लीजिए टूवर्ड सूरजपुर के लिए, एक फेमस प्रोजेक्ट है स्टेलर जीवन, SD Meno, जस्ट उसके पीछे है ये, जस्ट स्टेलर जीवन के जस्ट पीछे। अच्छा, तो अगर हमें इसे लेना है तो क्यों लेना है मैं आपको बताता हूँ।
पहले आपके बजट होम है, सारा काम डिक्रम करके दे रहे हैं। लोकेशन वो है जहाँ पे एक हाई राइज का ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, आप अपने विंडो से सामने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी देख सकते हैं। आपके पास कॉम्प्लेक्स 20 मीटर पे बन रहा है, मतलब आप अपने घर से निकलेंगे 20 मीटर पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है आपके पास, 30 मीटर पे ग्रुप हाउसिंग है आपके, आपके टावर के नीचे मंदिर पार्क गेटेड सोसाइटी, जैसे हम RW के हेड से बात कर रहे थे, 100% मेंटेनेंस क्लियर है। आप हम एकदम ही आए, ऐसा तो नहीं ना सोसाइटी नीट एंड क्लीन बनवा दिया होगा, एकदम ही हमने सोसाइटी का नीट एंड क्लीन था, सेफ्टी था, पार्क था, क्लब है। तो व्यूअर्स, इस बजट में आपको ये चीज़ शायद नहीं मिलेगा। ये चीज़ एमिनिटीज लेने के लिए आपको इसी लोकेशन में करीबन करीबन आपको 45 से 50 लाख रुपए खर्च करने होंगे, इससे ज़्यादा खर्च करने होंगे। तो क्यों ना आप इस चीज़ को यूज कर ले जाए। आप मेंटली छोड़ दीजिए कि स्विमिंग पूल नहीं जाना, आप स्विमिंग पूल कितने बार जाते हो, अगर स्विमिंग पूल छोड़ के बाकी सब कुछ है यहाँ पे, लोकेशन अच्छा है, एमिनिटीज सारे हैं, सोसाइटी के मेंटेनेंस भी तरीके से है, तो व्यूअर्स इसलिए आप एक बार जरूर देखने हैं कि आपके बजट में मार्केट में अवेलेबिलिटी ऐसे लोकेशन में इतने मेडिटेशन कुछ भी नहीं है बाहर, राइट? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच पवन, अगेन मिलते हैं हम।